हेलो एंड वेलकम टू सेंसॉफ्ट स्मार्ट शॉप। मैं हूं आपका होस्ट संदीप डढ़वाल और आज मैं आपके लिए एक नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग लेकर आया हूं। ये है बुश कंपनी का एलईडी टीवी, जो कि स्मार्ट एलईडी टीवी है। बुश कंपनी बहुत पुरानी टीवी की मैन्युफैक्चरिंग करती रही है और अब एलईडी टीवी में इन्होंने मार्केट में प्रोडक्ट्स उतारे हैं। तो आज का वीडियो हमारा एलईडी टीवी के ऊपर होगा, जो कि बुश कंपनी का है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स से कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड कलर का एक बटन है, उसको क्लिक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, सो दैट आपको नए नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये है बुश 32 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। फीचर्स के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुश कंपनी ने इसका वारंटी जो है बहुत अच्छी दी हुई है दोस्तों। इसकी एक साल की कंप्लीट वारंटी है और 3 साल की वारंटी इसके पैनल के ऊपर है। और बहुत सारे कस्टमर्स ये नहीं जानते हैं कि कंपनी जो है 3 साल की वारंटी जो देती हैं वो देती हैं कार्ड के ऊपर, जो कि एक बहुत सस्ता यू कैन से पार्ट होता है किसी भी एलईडी टीवी में, जबकि पैनल जो होता है वो सबसे कॉस्टली होता है। तो बुश कंपनी ने जो 3 साल की वारंटी दी है वो दी है पैनल के ऊपर, जो कि कॉस्टली वाला प्रोडक्ट, जो पूरी एलईडी टीवी में सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट जो होता है वो एक पैनल होता है, और उसने पैनल के ऊपर 3 साल की वारंटी दी है। तो ये एक एडिड एडवांटेज है बाकी टीवी से। प्राइस वाइज देखा जाए तो इकोनॉमिक प्राइस इसका है, मार्केट में अवेलेबल है और लोगों को बहुत अच्छी कॉस्ट पे बहुत ही बढ़िया टीवी एलईडी वो मिलता है। ये देखिए, अब हम इसको करेंगे अनबॉक्स। इसकी पैकिंग को मैं रख देता हूं साइड पर। पैकिंग निकालते हुए एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप एलईडी टीवी को अनबॉक्स करते हैं तो आपके हाथ उसकी स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट जो है वो ना लगें, या आपकी फिंगर्स जो हैं उनसे वो उसकी स्क्रीन प्रेस ना हो, इस बारे में थोड़ा सा आप केयरफुल रहें जब भी आप स्क्रीन को पैकिंग से निकालते हैं। तो ये हम अपना एलईडी टीवी निकाल चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, बुश कंपनी का स्मार्ट टीवी देखने में बहुत प्यारा लग रहा है और बॉर्डर्स वाइज ये इसको अभी पैकिंग लगी हुई है। तो इसमें एक निकलता है एलईडी टीवी और
एक मिलता है स्मार्ट टीवी का रिमोट कंट्रोल, ये ब्रैकेट्स हैं, अगर आपको टीवी वॉल माउंट करना हो तो ये ब्रैकेट्स भी इंक्लूडेड हैं, आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में मिलते हैं आपको ये टेबल टॉप स्टैंड्स, अगर आपको टेबल पे खड़ा करना है टीवी तो आप ये स्टैंड्स का यूज़ कर सकते हैं। बैटरी भी इंक्लूडेड है, कुछ स्क्रूज हैं आई थिंक इन टेबल टॉप स्टैंड्स के लिए। और साथ में मिलता है बुश कंपनी का वारंटी कार्ड, ठीक है, तो ये वारंटी कार्ड है और कस्टमर केयर नंबर इस पे दिया हुआ है। इट इज़ मार्केटेड बाय बुश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, और बहुत ही बढ़िया कंपनी का प्रोडक्ट है, हम लोग इसको ऑन करके भी अभी देखेंगे। और साथ में आपको एक स्मार्ट टीवी ओनर मैनुअल भी मिलती है, तो अगर आपने स्मार्ट टीवी फर्स्ट टाइम ऑपरेट करना है तो आप मैनुअल को रीड कर करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसा ही टीवी में फीचर्स हैं, थोड़ा सा आप यूज़ करेंगे तो आप इजीली इसको जो फीचर्स हैं इसके वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी मैनुअल, वारंटी कार्ड और टीवी। तो अब हम इसको टीवी को टेबल टॉप स्टैंड्स पे लगा के और ऑन करके देखते कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो अब हमने इसकी जो स्टैंड्स हैं वो लगा लिए हैं और मैंने टीवी को पावर दे दी है और अब ऑन करके देखते हैं। तो ये मैंने ऑन किया, बुश एक्सपीरियंस द रियल, बुश का लोगो, बुश काफ़ी भरोसे का प्रोडक्ट जो है बहुत पहले माना जाता था और अब स्मार्ट टीवी में मार्केट में बुश कंपनी आई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका स्मार्ट टीवी का मेनू जो है वो खुल चुका है, तो आप इसमें एक स्मार्ट बटन होता है, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ ये वाला, चलिए इसको मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, ये कैमरे के पास से बिल्कुल सीधा आ रहा है, ये स्मार्ट बटन है, ठीक है, इसके क्लोजअप फोटोग्राफ्स मैं डाल दूँगा, वीडियो के साथ साथ में आप देखते रहें। तो ये देखिए, आप लेफ़्ट राइट मेनू से जो है आप इसमें जा सकते हैं, मीडिया सेंटर, एप्लीकेशन, ये देखिए अभी यहाँ पे ऑल ऐप्स जो है वो खुल चुका है, और मैं लेफ़्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये फेसबुक और हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यूट्यूब नीचे, ठीक है, आप प्ले स्टोर से जाके भी जो है बहुत कुछ डाउनलोड करके ऐप्स चला सकते हैं। यहाँ पे एक इसमें एक और जो एडिड एडवांटेज है एम कास्ट, यानी कि आप अपने मोबाइल से जो भी मिररिंग करेंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगी, ठीक है, और जीमेल, इसके अलावा अगर आप सेटिंग्स में जाएं तो सेटिंग्स में जाके आप नेटवर्क स्कैन कर सकते हैं और स्टोरेज
और रीसेट की सेटिंग्स कर सकते हैं। अबाउट में जाके देखते हैं क्या दिखाता है ये। तो अबाउट में डिवाइस का नेम, लीगल इंफॉर्मेशन, मॉडल और बहुत कुछ, वर्जन वगैरह, सीरियल नंबर दिखाता है। हम इसको एग्ज़िट करते हैं। मोबाइल इसके रिमोट के ऊपर ही एग्ज़िट की है, आप उसको प्रेस करेंगे तो एग्ज़िट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपको स्मार्ट टीवी यूज़ करना है तो डेफिनेटली आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको देनी पड़ेगी और सारी सेटिंग्स इसमें आपको करनी पड़ेंगी। आपको एक अकाउंट भी इसमें डालना पड़ेगा जो कि आपका जीमेल अकाउंट होगा, और तो आप इसमें अपनी मेल्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड करना चाहें तो आपको डेफिनेटली अकाउंट एंट्री और सेटिंग्स करने के बाद में ही आपको डाउनलोडिंग मिलेगी। यूट्यूब वीडियोस आप सारे यहां से आप सर्च करके देख सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें अभी हमने सेटिंग्स नहीं की हैं, सिस्टम बिल्कुल फ्रेश है, तो अभी ये कनेक्टेड भी नहीं है इसलिए ये आपको नहीं दिखा रहा है। एग्ज़िट कर दें इसमें से। इसके अलावा बात करें तो मीडिया सेंटर, मीडिया सेंटर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें म्यूज़िक, मूवी, पिक्चर्स ये सब चलेगा। हम इसमें मूवी चला के देखते हैं, एक सॉन्ग चला के देखते हैं। पेन ड्राइव लगाएंगे और उसके बाद में देखेंगे। ये है मेरी पेन ड्राइव। ज़्यादा वीडियोस मैं इसमें नहीं चला पाऊँगा, नहीं तो इसका कंटेंट वायलेशन हो जाएगा, इसलिए मैं जस्ट आपको लगा के इसको एक बार यूज़ करना दिखाऊंगा। मैंने इसको USB 1 पे लगा दिया। ये आ गए हम मीडिया सेंटर में। ठीक है, और ये सेलेक्ट कर लिया हमने मीडिया सेंटर, और इसके बाद में हमें जाना पड़ेगा, अगर वीडियो देखना है तो मूवी में जाना पड़ेगा आपको। मूवी में हम लोग जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे स्टोरेज अपनी। ठीक है, और ये सब वीडियोस हैं। अब मैं आपको वीडियो तो प्ले करके नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि कंटेंट वायलेशन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पिक्चर क्वालिटी एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगा, और साउंड क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको एक बार सुनाना चाहूँगा। तो पहले साउंड जो है, साउंड उसको देख लेते हैं। तो जो साउंड है वो वाकई ज़बरदस्त है, और पिक्चर क्वालिटी आप देख ही रहे हैं कि बहुत फाइन क्वालिटी है, IPS डिस्प्ले है, तो डेफिनेटली पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। टॉप ब्रांड जो LED TVs हैं उनको ये पूरी टक्कर दे रहा है, कंपटीशन दे रहा है पूरा, और प्राइस वाइज ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो LED TVs में अगर प्राइस अच्छा हो और पिक्चर क्वालिटी ज़बरदस्त बेहतरीन हो तो आपको मार्केट में जो है बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो मेरी तरफ से तो इसको 10 out of 10 मार्क्स हैं इन फॉर इट्स वीडियो आउटपुट एंड स्पीकर साउंड क्वालिटी, इसकी लाजवाब है। मैं चाहूँगा अगर आप LED TV लेने का विचार कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो डिसीज़न लेने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी लोकल मार्केट में एक बार बुश TV को ज़रूर जो है कंसीडर करें, उसकी क्वालिटी देखें, प्राइस देखेंगे तो डेफिनेटली आप इसको आप जो है रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, और
वारंटी भी इसकी 3 साल की मिल रही है, तो सारी टेंशन ख़त्म। स्मार्ट टीवी है, इसमें आपको सब फीचर्स मिल रहे हैं, तो ये एक लाजवाब प्रोडक्ट जो बुश कंपनी ने बनाया है, मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त लगा। मैं चाहूँगा आप अपना लोकल मार्केट में सर्च करें, देखें, और मेरे को अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये टीवी कैसा लगा। और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा उनके सभी का आपके जवाब देने की। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं वो प्लीज़ उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप ज़रूर आप लिखें, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में वो गलती दोबारा से ना हो। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है या प्रोडक्ट परचेज करना है तो वो सपोर्ट भी हमारे से मिल जाएगी। आप अपना जो रिक्वेस्ट है वो कमेंट्स में डालें, हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपको लोकल आपकी मार्केट में वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपके एंड पे मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो प्रोडक्ट है इसका, अब मैं आपको पिक्चर क्वालिटी तो दिखाई दी, साउंड क्वालिटी भी एक थोड़ा सा आपको साउंड का आपको सुनाया मैंने, और लेकिन अब मैं इसको बैक साइड से आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। ऑल दो बताया है मैंने, फिर भी मैं आपको एक बार इसका बैक व्यू ज़रूर दिखाऊँगा। इसके बैक साइड में आपको जो है वॉल माउंट के लिए आपको स्क्रू करने के लिए आपको स्पेस दी जाती है, वॉल हैंगिंग के लिए भी यहाँ पे आपको स्पेस दी जाती है। इसके अलावा अगर आप इसके साइड पैनल की बात करें तो इसमें 2 USB यहाँ पे दी गई है, उसके साथ में एक आपको हेडफोन के लिए और ऑडियो वीडियोस इन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे यहाँ पे आपके पास में 2 HDMIs दी गई हैं, एक आपको यहाँ पे VGA पोर्ट भी दिया गया है ताकि अगर आपको अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप इससे कनेक्ट करना हो तो आप वो भी कर सकें। इसके अलावा आपको ईयरफोन्स की ऑप्शन दी गई है, आप ईयरफोन्स भी लगा सकते हैं, और साथ में आपको दिया गया है ईथरनेट पोर्ट, यानी कि अगर आप ईथरनेट कनेक्टिविटी इसको देना चाहते हैं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी इसको देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ईथरनेट केबल लगा दें, नेटवर्किंग केबल लगा दें और आपको इस पर सारे फीचर्स मिल जाएंगे। स्पीकर्स यहाँ पे आप देखिए, काफ़ी बड़े स्पीकर्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर LED ब्रांड्स, यहाँ पे इन्होंने स्पीकर भी अच्छे दिए हैं। आप साइज़ स्पीकर्स का यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, लेकिन इनकी क्वालिटी के हिसाब से ये स्पीकर्स मोर देन इनफ हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि साइज़ मैटर नहीं करता है, लेकिन क्वालिटी मैटर करती है, तो मैग्नेट की क्वालिटी डेफिनेटली बढ़िया होगी, इसलिए जो है हैवी मैग्नेट्स लगे हुए होंगे तो पिक्चर को साउंड क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी आएगी। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस ब्रांड का, इस टीवी का जो हम वीडियो लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज और ज़्यादा बड़े नए प्रोडक्ट्स के बारे में। थैंक यू एंड जय हिंद।